नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है, रातों रात कुर्सियां बदल जाती हैं और दुश्मन गले मिल जाते हैं, रूटो को मना लिया जाता है, जैसा कि आज जम्मू में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। कांग्रेस नेता ने दिग्विजय सिंह के पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान से किनारा कर लिया। राहुल गांधी ने कहा, जो दिग्विजय सिंह ने कहा उससे वे सहमत नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे आर्मी पर पूरा भरोसा है, देश की आर्मी जो भी ऑपरेशन करे उसका सबूत देने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल ने इस दौरान गुलाम नबी आजाद से भी माफी मांगी। राहुल ने कहा कि अगर मैंने कभी गुलाम नबी आजाद और चौधरी लाल सिंह को दुख पहुंचाया हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। ये तो बात हो गई राहुल के दिग्विजय के बयान से किनारा करने की, लेकिन ऐसा अक्सर राजनीति में देखा गया है कि जब जनता को जवाब देना होता है या फिर चुनाव करीब होते हैं तो जो बयान गले से नहीं उतरते, पार्टी उन बयानों को निजी बताकर किनारा कर लेती है। अभी हाल ही में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा ही किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया तो समाजवादी पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। तो क्या ये 2024 के लोकसभा चुनावों का डर है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं, या महज लाइमलाइट में रहने का तरीका है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने दिग्विजय के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान से किनारा किया और गुलाम नबी आजाद से माफी मांगी है। गुलाम नबी जी की जो पार्टी थी वो तो हमारे स्टेज पे बैठे थे लोग, 90% ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द कांग्रेस। सो अब नाउ आई थिंक there's only Gulam Nabi Azad ji on that side, so I don't know if you want me to adhak karo him, I will adhak karo him also, no problem. My respects to Gulam Nabi ji. Jo Digvijay Singh ji ne kaha, usse main bilkul agree nahi karta hoon. Hamari army par hamara pura trust hai, agar army kuch kare, saboot dene ki koi zarurat nahi hai. To main personally उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं, और कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। वहीं जब इस पूरे मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि सेना पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी? सुनिए बीजेपी की प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आई। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, कभी राम मंदिर, भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं, कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं, और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है, श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं ये दिखा रहे हैं। मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है। ये तो बात हुई कांग्रेस में घमासान की। अब आपको यूपी में रामायण पर जो महाभारत हुई है जरा वो दिखाते हैं। पहले वो बयान आपको दिखाते हैं जिसके बाद बवाल हुआ। चलिए ग्राफिक्स से जरिए समझते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बयान दे रहे हैं, ब्राह्मण भले ही दुराचारी अनपढ़ हो लेकिन वो ब्राह्मण है, उसको पूजनीय कहा गया है, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसका सम्मान मत कीजिए। मौर्य ने सवाल उठाया, क्या यही धर्म है? जो धर्म हमारा सत्यानाश चाहता है उसका सत्यानाश हो। उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बेच रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ढोंग फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अब धर्म की बात थी तो समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। सुनिए क्या कुछ कहा सपा नेता शिवपाल यादव ने। बड़े पैमाने पर लोग, जनसंख्या लोग जुड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के पीछे इतना जनसमूह इकट्ठा हो रहा है
और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया? देखिए वो उनका व्यक्तिगत बयान है। अब बात सनातन धर्म पर सवाल उठाने की हो, राम की बात हो तो बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। सुनिए बीजेपी ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का विषय है। और हमेशा जितने भी धार्मिक तीर्थ त्योहार हमारी यात्राएं हैं उनको प्रतिबंधित करने का काम समाजवादी पार्टी रही है, ये उनका इतिहास है। और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर लखनऊ में FIR कराई गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, इसी मामले में हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई। समाजवादी पार्टी पहले ही इसे मौर्य का निजी विचार कहते हुए पूरे विवाद से खुद को अलग कर चुकी है। इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि वो चुप क्यों है, ये मौर्य का नहीं उनका अपना बयान है। फिलहाल हजरतगंज कोतवाली में FIR IPC की कई धाराओं में दर्ज हुई है। ये FIR ऐशबाग के शिवेंद्र मिश्रा ने दर्ज कराई है। FIR के फौरन बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव से सवाल किया कि विवादित बयान देने के इतनी देर बाद भी उन्होंने ना तो इसकी निंदा की ना ही कुछ कहा, तो क्या ये समझा जाए कि ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं खुद अखिलेश का है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश से मांग की है कि वो इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। अभी तक इस तरह की चर्चा हो रही थी कि खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस पूरे विवाद से खुश नहीं है। सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मौर्य को काफी कुछ कहा। चौधरी ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव से सवाल किया कि क्या पार्टी मौर्य के बयान से सहमत है, पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवपाल यादव बहुत कुछ कह चुके हैं। दिल्ली में मेयर का इंतजार और बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के बीच जोरदार टकराव की वजह से एक बार फिर से चुनाव टल गया। पार्षदों की शपथ के बाद वोटिंग प्रक्रिया शुरू होते ही दोनों की पार्टियों के पार्षद आमने सामने आ गए। जोरदार नारेबाजी करते हुए दोनों दलों ने जो पार्षद हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए। टकराव बढ़ता देख पीठासीन अधिकारी ने सदन की बैठक को स्थगित कर दिया। अब सदन की कार्यवाही फिर से तारीख तय की जाएगी और तब चुनाव हो पाएंगे। बता दें कि महापौर और उपमहापौर का चुनाव नगर निगम चुनाव के बाद निर्वाचित 250 सदस्यों की 6 जनवरी को ही पहली बैठक में किया जा रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के एक दूसरे से भिड़ जाने, हंगामा करने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जिस कारण महापौर तथा उपमहापौर का चुनाव नहीं हो सका था। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई। जो आप सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। एलजी साहब आप खुद आइए, तुरंत डेट निर्धारित कीजिए, आज शाम की 7:30 बजे का कोई भी टाइम निर्धारित कीजिए, 8 बजे का। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे 134 पार्षद, 13 विधायक, 3 सांसद, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक समर्थन भी है हमें, 151 की संख्या है, 151। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर वो सारे हथकंडे अपना लें तब भी उनके पास 104 और 10 उनके 7 उनके सांसद, कुल 104 और 7 सांसद 111 उनके पास 111 की संख्या है, हमारे पास 151 की संख्या है। 40 संख्या में हम उनसे आगे हैं। और मेरी बात अगर आपको यकीन ना हो तो कैमरा गैलरी में लगाइए, अभी एक एक अटेंडेंस तो कराते हैं। आपके बैठे ही रहेंगे अब हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, आप गैलरी में अपने कैमरा, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, गैलरीज में अपने कैमरा लगाइए, एक एक का नाम लेंगे और आप चेक कीजिए।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और पहलवानों के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल खेल मंत्रालय ने इस मामले की जांच के लिए एक निगरानी समिति का गठन कर दिया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि समिति आरोपों की जांच कर एक महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन खिलाड़ियों ने इस कमेटी का विरोध किया। पहलवानों का कहना है कि कमेटी के गठन से पहले उनकी राय नहीं ली गई। इसके साथ ही उन्होंने इस कमेटी को भंग करने की अपील की है। विरोध जताते हुए पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया गया था कि निगरानी समिति के गठन से पहले हमसे परामर्श जरूर किया जाएगा, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस कमेटी के गठन से पहले हमसे राय तक नहीं ली गई। वहीं विनेश फोगाट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इस निगरानी समिति को भंग कर दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की है कि सरकार एक नई समिति का गठन करे, साथ ही जो नई समिति बने उसमें हमारी पसंद के मेंबर्स को शामिल किया जाए। विनेश आगे कहती हैं कि ये महिलाओं का मामला है और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमें उम्मीद है कि मंत्रालय हमारी बात जरूर सुनेगा। विरोध जताते हुए पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने ट्वीट किए हैं। उन्होंने कहा कि हमें आश्वासन दिया गया था कि निगरानी समिति गठन से पहले हमसे परामर्श किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारी राय तक नहीं ली गई है, यानी कि ये जो हंगामा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कुश्ती संघ और जो पहलवान है उनके बीच ठनी हुई है। जंतर मंतरपन का प्रदर्शन लगातार जारी है। ये किसी भी तरह से हटने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। इनका सीधे तौर पर कहना है कि महिलाओं का अपमान हुआ है, महिलाओं का शोषण हुआ है, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जो भी कमेटी या समिति का गठन हुआ है उसमें हमारी पसंद के जो मेंबर्स हैं वो चुने जाए, ताकि उनकी आवाज़ ज़्यादा सही तरीके से देश के सामने पहुँच सके और उन्हें न्याय मिल सके। आज दिल्ली से एक अजीब मामला सामने आया। दिल्ली के शाहदरा जिले के एक सरकारी स्कूल में मंगलवार को मिड डे मील खाने से स्कूली बच्चियां बीमार हो गई, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। मिड डे मील खाने से बच्चियों ने पेट में दर्द की शिकायत की, वो उल्टियां करने लगी, जिसके बाद इलाज के लिए आधा दर्जन से ज्यादा बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला झिलमिल कॉलोनी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय का है। स्कूली छात्राओं ने बताया कि मंगलवार सुबह जब छठी क्लास की छात्राओं को मिड डे मील परोसा जा रहा था, उस समय छात्रों ने परोसे जा रहे खाने से बदबू आने की शिकायत की, लेकिन शिक्षकों ने इसे अनसुना कर दिया। बच्चियों के मिड डे मील खाने के बाद दर्द हुआ पेट में और उल्टियों की शिकायत हुई, जिसके बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में बच्चियों को अस्पताल भेजा गया। छात्राओं के परिजनों ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि स्कूल में बच्चों को जहर खिलाया जा रहा है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। सरकार को चाहिए कि गुणवत्ता जांच बिना खाना नहीं परोसा जाए, इस तरह की लापरवाही से बच्चों की जान पर भी बन सकती है। बीमार बच्चों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे गांधीनगर से आप विधायक एस के बग्गा ने कहा कि सभी खतरे से बाहर है, लेकिन सभी छात्रों को कल तक ऑब्जर्वेशन में अस्पताल में ही रखा जाएगा। दोषी मिड डे मील परोसने वाली कंपनी पर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन जो अभिभावक हैं वो इतने भर से संतुष्ट नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती है, सरकार को मिड डे मील की जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही बच्चों को खाना मिलना चाहिए। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड के जोशीमठ और रामनगर में भूकंप से धरती हिली, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता जो रही है वो 5.8 रही। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जिसकी गहराई जमीन के 10 किलोमीटर नीचे थी। दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में दर्ज किए गए भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिहार से हिमाचल तक धरती कांप उठी। यूपी के संभल, मुरादाबाद, अमरोहा और रामपुर में दोपहर करीब 2:30 के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक से धरती डोलने की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। शाहजहांपुर में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इसी के साथ बरेली में भी भूकंप के हल्के झटके आए हैं। उधर उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में जोशीमठ आपदा के बीच मंगलवार को भूकंप से धरती डूल गई। गढ़वाल और कुमाऊं में दोपहर करीब 2:30 कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं पिथौरागढ़ आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.8
मापी गई है। चमोली जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने बताया कि भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं, कहीं से नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 महीनों में ये करीब 7 से 8वीं बार है जब इस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान सिनेमा घरों में रिलीज होने में बस कुछ ही घंटे दूर है। फिल्म कल यानी कि 25 जनवरी को रिलीज होगी, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के निर्माताओं की नींद उड़ गई है। जूम टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तमिल रॉकर्स, फिल्मी फॉर वैप, फिल्मी जिला, एमपी फॉर मूवीज, पागल वर्ल्ड और विगा मूवीज जैसी वेबसाइटों ने रिलीज से पहले शाहरुख खान की पठान को लीक कर दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस वेबसाइट पर पठान फिल्म का एचडी प्रिंट उपलब्ध है। ऐसे में जो लोग फिल्म देखने के इच्छुक थे वे अब घर बैठे ही ऐसा कर सकते हैं और इससे फिल्म की कमाई प्रभावित हो सकती है। फिल्म के ऑनलाइन लीक होने की खबरों से मेकर्स की चिंता बढ़ गई है। ट्रेड जानकारों की माने तो अगर फिल्म ऑनलाइन लीक होती है तो उसका बॉक्स ऑफिस पर गहरा असर पड़ सकता है। जिन वेबसाइट्स पर फिल्म लीक हुई है उनके खिलाफ मेकर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि फिल्म को लेकर मेकर्स की ओर से जरूर कहा गया है कि कुछ लोग हैं जो फिल्म को लेकर स्पॉयलर्स जारी कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसे में उनसे ऐसा ना करने की अपील उन्होंने की है। इससे पहले पठान का ट्रेलर भी लीक हो गया था और अब फिल्म के लीक होने से चारों तरफ हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पठान को लेकर काफी विवाद हुआ था। पठान में जो बेशरम गाना है उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ। हर ओर बॉयकॉट पठान ट्रेंड हो रहा था। इससे पहले पठान की एडवांस बुकिंग को टिकट खिड़की पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इंडस्ट्री के जानकारों को भरोसा है कि शाहरुख खान स्टारर पठान बॉक्स ऑफिस पर 45 से 50 करोड़ रुपए के बीच ओपनिंग कर सकती है और यह आंकड़ा 60 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। हालांकि ये तो कल ही पता चलेगा क्योंकि जिस तरह से फिल्म लीक की खबर सामने आई है, उम्मीद है और ऐसी आशंका है कि इससे कहीं ना कहीं फिल्म की कमाई पर गहरा असर पड़ सकता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।